हर माह अपने घर में महाना ग्यारहवीं मनाया करें आपको बरकत ना आए तो मुझे कहिएगा नेकी घर में बरकत लाती है याद कर लें आप। आपकी औलाद आपको पूछेगी कि अब्बा ये क्या कर रहे हो अम्मी ये क्या कर रही हो आप बेटा गौसे पाक मना रहे कौन गौसे पाक आप कहेंगे शेख अब्दुल कादिर जिलानी वो कहेगा कौन शेख अब्दुल कादिर जिलानी फिर आप कहेंगे बेटा ये हमारे पीरा ने पीर पीर दस्तगीर है ये ये है इनकी ये खसूसियत है ये अल्लाह के वली है इन्होंने कुरान पढ़ा इन्होंने हदीस पढ़ी है इन्होंने इतनी इबादतें की है इनकी शान आदत दिखते हैं कसमे दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा आपके घर में हर साल बारहवीं इज्तिमा हो आए दिन बुजुर्गों के मनाएं घर के अंदर मैं आपको सही बता रहा हूं, घर में बरकत का बता रहा हूं। आप प्रैक्टिकल करके देख ले बारह महीने प्रैक्टिकल करके देख ले बस हमारे पर बाद फ्रिज पर ये लगा हुआ है वो लगा हुआ है स्टीकर लगे होते हैं फना लगे होते हैं कुछ रिमाइंडर लगाते हैं कुछ चीजें लगाते हैं ना फ्रिज पर या घर में किसी बोर्ड वगैरह पर लगाते हैं एक पर्चा लगा ले घर के अंदर बुजुर्गों की उर्स के दिन यानी कि इनके कब विशाल हुआ था कोसे पाक का आला हजरत का दाता कंजब चाली हजवेरी रही तीगर बुजुर्ग दिन ये अलहमदिल्ला मखतलमदीना से जो मदीना डायरी ना उसमें भी मिल जाएंगे करना कुछ भी नहीं आप, आप डर ना जाएगा यार ये क्या खर्चे में उतार रहा है कोई खर्चा वर्चे में नहीं उतार रहा आपके खर्चे पूरे हो जाएंगे वो काम बता रहा हूँ आपका जो खाना पकाए ना आज का वो नियत कर ले कि आज का जो खाना है ना ये हम फनाए बुजुर्ग के इसाले सवाब के लिए कर रहे हैं अल्लाह तोफीक दे अच्छा तरह कुरान पढ़ने आता हो तो सूर्य फातिया पढ़ लें तीन बार सूर्य खलास पढ़ लें और दुआ कर दे ये खाना इसका सवाब और जो पढ़ा इसका सवाब फना बुजुर्ग को साल कर दे हमें कुछ भी नहीं करना इस जाना क्या होता है ये खुदा ना खासता घर में नफरतें हैं घर में अदावतें हैं घर में झगड़े हैं घर में फितने हैं घर में फसाद है घर में बेबरकती है कुछ यूं हो जाता है तो सोने में हाथ डाल जाता तो मिट्टी हो जाता है तो फना हो जाता है ये जितनी भी आपको है ना सारी शिकायतें ये अल्लाह पाक ने चाह तो इन ओलिया कराम की बरकतों से इनशाला ऐसा हो जाएगा कि मिट्टी में हाथ डालोगे तो सोना हो जाएगा इन